हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक छोटा सा मॉर्निंग व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है इंस्टेंटली बनने वाली फ्रूट क्रीम की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, आप दूध को बॉईल करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो दूध को ठंडा करके भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दूध को ठंडा करके ही डालें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली है, तो आप इस क्रीम को घर पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, और अगर नहीं है तो भी आप किसी भी बीटर से या फिर किसी भी फेंटने वाली किसी भी चीज़ से आप इसे बना सकते हैं। अब इस तरीके से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है कंडेंस मिल्क। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे डाल दूँगी इसमें क्रीम में, ताकि थोड़ा हल्का मीठा हो। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा भी इसे रख सकते हैं। अब इसमें मैंने जो फ्रूट्स काटे थे वो फ्रूट्स को मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये एक बहुत ही छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें दिखाई कुछ छोटी छोटी झलकियाँ सुबह की। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो रेसिपी है, ये भी आप लोगों को पसंद आएगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत ही ईजिली ये बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे दिन में खाने के बाद बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में भी आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। तो अब इसको फाइनल टच देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी। ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो मैं इससे इसका डेकोरेशन कर दूंगी। इससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसके जगह पे चेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और खाने का जो टेस्ट उसका होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं घर पर बहुत ही ईजली। ये बिल्कुल बाजार में मिलने वाली फ्रूट क्रीम के जैसी लग रही है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।